सो गाइस फाइनली अंदर आ चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के लॉन्ज में जो कि प्लाजा प्रीमियम लॉन्ज है हैदराबाद का। सो वहाँ पर लॉन्ज में जाते हैं, अभी बूफे रहता है उसको एंजॉय करते हैं और आपको सारा जो भी वीडियो में आपको दिखाते जाएंगे। सो गाइस अभी आप हैदराबाद एयरपोर्ट के पूरे अंदर का व्यू देख सकते हो। यहाँ पर चारों ओर बहुत सारी लग्जरी आइटम्स की शॉप रहती है और काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है ये। और अभी मैं लॉन्च के बिल्कुल सामने आ चुका हूँ, अभी आप सामने देख रहे हो, हमें लिफ्ट लेकर के नीचे जाना लॉन्च में। और ये रहा मेरा बोर्डिंग पास जो कि आपको शो करना होता है काउंटर पे। जैसे ही आप लॉन्च में आओगे कुछ ऐसा आपको व्यू मेन एंट्री गेट पे देखने को मिलेगा। मेरे पास HDFC का मिलेनियम कार्ड है जिसमें मुझे लॉन्च फ्री एक्सेस है। लॉन्च के अंदर आ चुका हूँ और आप देख सकते हो मेरे पीछे कुछ ऐसा होता है लॉन्च, और इसके लिए मैंने 25 पे किया अभी। सो गाइस मैंने इसके लिए मात्र 25 रुपीज पे किया अंदर आने के लिए। तो गाइस आप लोग पीछे देख सकते हो वो पूरा डाइनिंग एरिया है। अगर आपके पास वीज़ा का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होगा तो आपको मात्र 2 रुपये पे करना होता है, और मेरे पास मास्टर कार्ड था इसलिए मुझे 25 रुपीज़ पे करना पड़ा। और अभी आप देख सकते हो यहाँ का लॉन्च कितना ज़्यादा बड़ा खूबसूरत है। मेरे पीछे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड है, आप यहाँ पर आराम से इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए गाइस अब पेट पूजा करते हैं, आपको दिखाते हैं अपन लॉन्च में क्या क्या बूफे में। तो गाइस लॉन्च में हमें बूफे एक्सेस होता है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कटलरी प्रोवाइडेड है जहाँ पर प्लेट्स वगैरह रखे हुए हैं, साथ में फ्रूट्स हैं और यहाँ पर बहुत तरह की चटनी, स्प्राउट्स, अभी आप गर्मा गर्म इडली देख सकते हो, साथ में यहाँ पर है ये वड़ा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, साथ में ये खिचड़ी वगैरह कुछ टाइप की थी, और ये है बीन्स, बॉयल्ड एग, स्क्रैम्बल्ड एग्स और बहुत चीज़ चिकन नगेट्स। सो गाइस मैं अपनी प्लेट लगा के आ चुका हूँ और ये सारा खाना अनलिमिटेड है यहाँ पर। और अभी मैं जूस पीने के लिए आ चुका हूँ, ये मैंगो जूस रखा हुआ था जो कि काफ़ी टेस्टी था वहाँ पर, और यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। और अभी आपको आप देख सकते हो लाइव डोसा और लाइव काउंटर का भी ऑप्शन होता है, तो आप जो शेफ़ होते हैं उनको अपने हिसाब से जिस तरह का आपको डोसा खाना वो बनवा सकते हो। यहाँ पर मसाला डोसा, प्लेन डोसा, उपतपम डोसा, काफ़ी ऑप्शन थे। सो मैं अपनी सेकेंड लाइव काउंटर की प्लेट लेके आ चुका हूँ, वो भी डेजर्ट के साथ। तो अभी देख सकते हो मफिन्स वगैरह है मेरे पास। और अंदर मैं आ चुका हूँ, ये मेन केबिन एरिया जहाँ पर आपके छोटे छोटे रूम और ब्लॉक्स बने हुए जहाँ पर आराम से आप ऑफिस का काम कर सकते हो। सो गाइस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ थी, इसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, बट मैं सच बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी था, हाइजीनिक और वेल मेंटेन था और अनलिमिटेड था। मैंने आराम से उसे पूरा इन्जॉय किया बूफे को। और अभी ब्रेकफास्ट ख़त्म करके अपने इस केबिन एरिया में बैठा हुआ हूँ जहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना ऑफिस का काम किया और अभी रेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पीसफुल महसूस होगा। साथ में भी आप देख सकते हो लॉन से काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट का व्यू आता है, और ये पूरा टी सेक्शन है। यहाँ एयरपोर्ट के अंदर से काफ़ी अच्छा आपको व्यू देखने के लिए मिलता है, आप आराम से व्यू को देखते हुए एंजॉय करते हो, अपने स्नैक्स और बूफे को मज़े से खा सकते हो। और ये है पूरा ब्रेड सेक्शन जहाँ पर आपको मफिन्स, ब्रेड, टोस्ट सब कुछ रखा रहता है, बटर वगैरह सब कुछ, आप आराम से यहाँ पर आके ये भी ट्राई कर सकते हो। सो मैं अपने लिए कॉफ़ी लेकर के आया हूँ गाइस, और ये कॉफ़ी काफ़ी अच्छी थी, और आपको यहाँ पर कॉफ़ी काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाएंगी, सो आप अपने अकॉर्डिंग पी सकते हो जो भी आपको पसंद है। साथ में आप देख सकते हो ये है टी सेक्शन प्लस ये ब्रेकफास्ट सेक्शन जहाँ पर आपके ओट्स और दूध और ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह रखे रहते हैं। बाकी गाइस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो आराम कर रहा हूँ अराउंड 2 बजे, सो गाइस अराउंड 9 बजे की मेरी फ्लाइट है यहाँ से, मतलब बोर्डिंग स्टार्ट होगी, तो मैं तब जाऊँगा अभी 8:30 बजे लगभग, तो अभी आधा घंटा रेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर निकलूँगा यहाँ से आराम से, फ्लाइट पर जाके फिर सोना है। एक और बात गाइस, यहाँ पर जो खाने का मेन्यू हर 3 घंटे पर वो चेंज होता रहता है, सो अगर आप लकी हो तो आपको 2-3 तरह के मेन्यू ट्राई करने का मौका मिल जाएगा। सो मैंने तो अभी इडली डोसा वही जो ब्रेकफास्ट था वो किया, क्योंकि मॉर्निंग मेरी फ्लाइट थी। बाकी आप जिस टाइम पे आप उस समय क्या मेन्यू रहेगा मैं नहीं बता सकता, तो आप आ सकते हो अगर आप इस पैसे तो। सो गाइस अभी मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर के आ चुका हूँ अपने लिए। सो गाइस अभी जस्ट कोल्ड ड्रिंक लेकर के आ गया खाना बचाने के लिए। अब ऐसा नहीं कि चाय कोल्ड ड्रिंक खाते पीता हूँ, चाय स्टार्टिंग में पिया था, कॉफ़ी पिया था, अभी यहाँ 1.5 घंटे हो चुके हैं, अभी मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूँ, अभी यही फाइनल है बचावट। सो मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग की अनाउंसमेंट शुरू हो गई थी इसलिए मैं अभी लॉन्च से निकल रहा हूँ, और अब देख सकते हो लॉन्च काफ़ी साफ़ सुथरा है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और अभी मैं बाहर जा रहा हूँ लॉन्च से, सो आपको मैं हाईली रिकमेंड कर सकता हूँ ये जगह। सो गाइस अभी मैं लॉन्च से बाहर आ चुका हूँ, तो अभी जा रहा हूँ अपने गेट पर जहाँ मेरा फ़्लाइट का चेक इन होगा,
और बोर्डिंग होगा। तो चलिए वहीं पर गेट नंबर 105 पर जाता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ आगे वहीं से। सो होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया गाइस। अगर आपको मेरा भी वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे।